भिंड के सदर बाजार में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे और इसका उद्घाटन होने से पहले ही जेसीबी से रात्रि के समय तोड़ दिया गया। भिंड शहर के बीचों बीच सदर बाजार में आधा दर्जन से अधिक सार्वजनिक शौचालय बनाए हुए थे। कुछ शौचालयों को रात्रि में तोड़ दिए गए। संबंधित अधिकारियों से जब इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा, असामाजिक तत्वों ने रात को तोड़फोड़ की है। भिंड जिले में दबंग लोगों की इतनी हौसले बुलंद है कि शासन प्रशासन से डरने का नाम नहीं लेते। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उद्घाटन से ही पहले ही जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। वही ट्रैक्टर के माध्यम से मलबे को भरवा कर शहर से बाहर ले जाया गया। क्या भिंड जिले में इसी तरह का विकास होता है? पहले विकास के कार्यों के लिए पैसा मंजूर कराया जाता है, फिर उसको जेसीबी के माध्यम से तोड़कर सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। रात्रि में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो सार्वजनिक शौचालय तोड़े गए, संबंधित अधिकारियों का कहना है कि असामाजिक तत्व आपसे तोड़ गए, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरी अभी नगर पालिका सीएमओ से बात हुई थी, उनका कहना यह है कि उनके संज्ञान में ये मामला है ही नहीं। उनका कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा नगर पालिका सदर बाजार में जो सार्वजनिक शौचालय बने हुए थे उनको तोड़ा फोड़ा गया है। जबकि मामला यह है कि जेसीबी आई, बकायदा जो नगर पालिका के लिए हमेशा से कार्यरत है, वो जेसीबी आई, वही ट्रैक्टर मलबा भरने के लिए आया जो हमेशा जेसीबी की नगर पालिका के लिए काम करता आया है। और नगर पालिका का ऐसे हाथ खड़े कर देना, कहीं ना कहीं उनकी मनसा पर है ना सवालिया निशान है। उनको अभी उनका कहना है कि वो है ना असामाजिक तत्वों के ऊपर FIR कराएंगे, ट्रैक्टर और है ना जेसीबी के ऊपर FIR कराएंगे। हम ये देख रहे हैं कि क्या करते हैं ये, अगर इन्होंने ठीक से काम नहीं किया अपना और FIR नहीं कराई तो हम नगर पालिका के घेराव करेंगे। जो सार्वजनिक शौचालय थे, जनता की संपत्ति थी, इसको इस तरीके से तहस नहस करना कोई छोटी बात नहीं है, शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यही सवाल हमारा भी है कि इतना बड़ा प्रशासन, पूरा लाभ लश्कर पेट्रोलिंग होती है रात में, वो लोग कहाँ थे? मतलब 4 घंटे कम से कम ना तोड़फोड़ चली है, जेसीबी ने तोड़फोड़ करी है, ट्रैक्टर ने मलबा भरा है, कई उधर चक्कर लगाए हैं, शहर से अंदर से ले जाके बाहर में मलबा फेंका है, तो वो पूरा प्रशासन हमला कहाँ था? वो ये प्रशासन हमला को ये देखना चाहिए था कि कौन तोड़फोड़ कर रहा है। अगर प्रशासन के अंडर में हो रहा था तो उन्हें नहीं रोका होगा। अब उनका कहना है कि असामाजिक तत्व, जब है ना लोगों ने तूल दे दी इस बात को कि पहले आप बना रहे हो फिर आप तोड़ रहे हो, आपकी है ना मानसिक दिवाली अपन की निशानी थी ये, तो इस तरीके की कार्रवाई इनकी भटकाने का काम है। हम देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।